चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। जिस टाइम वर्ल्ड वॉर वन की हम लोगों ने बात की थी तो आपके पास टू पावर्स आई थी बेटा। टू पावर्स में एक था आपके पास एलाइड पावर, देन आपके पास थी सेंट्रल पावर। अब पूरा मैं आपको इसको अगेन रिपीट नहीं करूंगी, एलाइड पावर में कौन सी कंट्री थी या कैसे था। अगर फिर भी हम इसको ब्रीफली चेक करते हैं तो मेन फिर आपको क्या कर दिया था, वॉर गिल्ट कर दिया था, किसके ऊपर इम्पोज कर दिया था, आपके जर्मनी पर। जर्मनी को कल्प्रिट पूरी तरह से सारी कंट्रीज मीन एलाइड पावर्स ने मिलकर कल्प्रिट उसको रेडी कर दिया कि तू कल्प्रिट है, तेरी वजह से भाई ये सब कुछ हुआ है। अगर तू आपके उसको ऑस्ट्रिया को ब्लैंक चेक ना देता, ब्लैंक चेक मीन कि आप उसको, तो रशिया तो बेटा एलाइड पावर का मेंबर था, उसको क्यों करेंगे वो? वो तो उसके ग्रुप का हो गया ना, उसको नहीं वो गलत बोलेंगे, वो सिर्फ आपके जर्मनी को ही बोलेंगे। अब इस चीज का क्या है, एक थी आपके पास जैसे ही अलाइड पावर की आप बात करते हैं तो विनर हो गए हैं। विनर किसकी वजह से? क्योंकि यूएस ने एंटर कर लिया था 1917 में और ये क्या थे, डिफीटेड में भी कल्प्रिट आपके पास कौन आया, जर्मनी कल्प्रिट है। सबसे पहले तो इसी को देखते हैं, इसने क्या किया। नो डाउट कि जितनी भी आपकी कंट्रीज थी एलाइड पावर या आपके सेंट्रल पावर, सबके मन में यही था वॉर फटाफट से खत्म कर देंगे हम, जो भी होगा इसको थोड़ा ही टाइम चलेगा, फिर जो भी हम ज्यादा पावरफुल कंट्री बनेंगे, तो ये सब उन लोगों के माइंड। चलिए बेटा कर रहे हैं हम किसकी बात, एलाइड पावर की। और जर्मनी को आपने क्या कर दिया, कल्प्रिट डिक्लेयर कर दिया। अब जब जर्मनी कल्प्रिट है तो उसके अगेंस्ट आपकी सारी एलाइड पावर मिलके क्या करेंगे, एक ट्रीटी साइन करते हैं कि देखो भाई पकड़ो इसको, मारो पिटो, जो भी करना है अब इसको बुलाते हैं। जो उसके साथ उसने ट्रीटी, अभी हिटलर नहीं है कहीं भी पिक्चर में, हिटलर को अभी मत देखो, एक ट्रीटी साइन की। ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब वर्साइल्स तो आपको पता है क्या था, पैलेस ऑफ लुइस, लेकिन लुइस का पैलेस नहीं है वो, क्योंकि वहां कोई मोनार्की सिस्टम नहीं है, मोनार्की सिस्टम खत्म कर दिया। वो क्या है, रिपब्लिकन फ्रांस है, आपका पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उनके पैलेस वर्साइल्स में, अब वो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होगी क्योंकि वो वर्साइल्स में साइन हुई है, इसीलिए उसको नाम दे दिया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। एक्चुअल में उसका नाम क्या था, पीस ट्रीटी। अगर इसकी एक्चुअल बुक देखते हो जिसके अंदर ये लिखी हुई है ट्रीटी, जिन डॉक्यूमेंट्स में, वो गोल्डन कलर की बुक है, उसके ऊपर तो नाम पीस ट्रीटी लिखा है, लेकिन क्योंकि वो वर्साइल्स में फ्रांस में साइन हुई थी इसीलिए उसको नाम दे दिया। ये पीस ट्रीटी साइन होती है किसके साथ, जर्मनी के साथ बेटा, लेकिन इसको हिस्ट्री में आप याद रखते हो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के नाम से। अब क्या होगा, अगर ट्रीटी साइन हुई तो आपके जर्मनी को कुछ तो होना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, उसके जितनी भी ओवरसीज कॉलोनी। अब ओवरसीज से मतलब क्या है, आपकी लाइक अफ्रीका में थी, सम पार्ट ऑफ एशिया था, अफ्रीका में क्या थी, कॉन्गो, टेंजानिया, ये सारी उसकी कॉलोनीज थी, वो सब उन लोगों ने किसने ली। अब अफ्रीका में कौन मेन पावर में था आपका, फ्रांस और इंग्लैंड, दोनों उनको आपस में बांट लेते हैं कि हम लोग इसको रखेंगे। सेकेंड उसको क्या हुआ, 1 लाख आर्मी, उसकी आर्मी को भी लिमिटेड कर दिया, उसके पास अब बहुत बड़ी आर्मी नहीं है। जिस आर्मी के बेस पे आपका हिटलर बोलना स्टार्ट करेगा, लोगों को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, मिलिट्री के बारे में बात करेगा, आपकी जर्मन की मिलिट्री के बारे में बात बोली जाती है कि जर्मन की मिलिट्री जो है वो बिना सोए काफी देर तक लड़ सकती है, काफी देर क्या, काफी दिनों तक लड़ सकती है, वो बिना सोए रह सकती है। लेकिन उसके बाद लोगों ने बहुत बार ये भी बोला है कि हिटलर उनको एक अलग टाइप का ड्रग देता था जिसकी वजह से वो नहीं सोते थे, लेकिन एक्चुअल नहीं है, उनको ट्रेन ऐसा किया जाता था कि वो बिना सोए उनकी बॉडी काम कर सकती थी, तो ऐसा उसके बारे में। और ये बच्चे तो गुरुकुल के बच्चे हैं, खुली आंख से सो जाते हैं क्लास में, इन्होंने अपनी बॉडी को ऐसे अडेप्ट कर रखा है, तो तुम्हें पता ही है ना। 1 लाख आर्मी उसकी सीज कर दी, अब उसके पास कैसी है, 1 लाख आर्मी रहेगी, ठीक है। सेकेंड थिंग, जर्मनी लॉस्ट
13% ये उसमें ही आ गया, 13% कॉलोनीज। वन बाय 10% पॉपुलेशन, पहले मैं लिख लेती हूँ, देन 75% आयरन, 26% कोल, और क्या क्या वॉर गिल्ड के लिए फाइन, वॉर गिल्ड फाइन इतना था, 6 million पाउंड, ये सब कुछ उसके साथ हुआ। पहले इसको देख लेते हैं, एक एक पॉइंट को समझाऊंगी, ध्यान से देखना। जर्मनी लॉस इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, ओवरसीज कॉलोनीज में क्या है, जो उसकी 13% कॉलोनीज थी, 13% एरिया उसने अपना एरिया एक्सपेंड किया था, कहाँ, अफ्रीका और एशिया में। कल बताया था जापान क्यों एंट्री करता है वर्ल्ड वॉर वन में अगेंस्ट जर्मनी, तो इन सबको कैप्चर कर लिया किसने, आपके इंग्लैंड ने और फ्रांस ने। देन बात करते हैं 1 लाख आर्मी। अब अलाइड पावर ने क्या किया, इसकी पावरफुल आर्मी है जर्मनी की, जिसकी वजह से इसने क्या किया, पूरे यूरोप को पागल कर दिया है। अब इसको क्या करो, इसकी आर्मी को सीज कर दो, लिमिटेड कर दो। लिमिटेड किया बेटा, उसकी आर्मी को लिमिटेड कर दिया, किसकी, आपके जर्मनी की आर्मी को। अब उसके पास उसकी बाउंड्रीज को लुक आफ्टर करने के लिए, बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रह गया, 1 लाख आर्मी। और वो बाउंड्रीज भी कितनी है, वो बहुत रिड्यूस कर दिया, वाइमार रिपब्लिक नाम की एक जगह ही है उसके पास। 13% कॉलोनीज, यानी उसकी और भी जो किंगडम थी, और भी किंगडम थी एशिया या अफ्रीका के अलावा भी जो उसकी और किंगडम थी, क्योंकि अब तो उसके पास लिमिटेड सा पोर्शन बचना है वाइमार रिपब्लिक, तो उन सबको भी आपकी अलाइड पावर ने कैप्चर कर लिया। कोई उसके रुहार को लेगा, कोई उसकी राइनलैंड को लेगा, सबने अपने अपने एरिया को कैप्चर कर लिया। 10% पॉपुलेशन, अब यहाँ इसमें दो पॉइंट है बेटा, 10% पॉपुलेशन में उसकी पॉपुलेशन जो वॉर में डेथ हुई है, एक तो उसकी बात कर ली कि वो सारी उसकी खत्म हो गई है, ठीक है, लेकिन दूसरी जो उसकी 10% पॉपुलेशन थी उसको भी अलाइड पावर ने कैप्चर कर लिया। अब क्वेश्चन यहाँ आता है, अलाइड पावर उसकी पॉपुलेशन का क्या करेगी। पॉपुलेशन और 10% पॉपुलेशन जो थी उसकी कौन थे, साइंटिस्ट थे बेटा, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज थे, सेकंड चैप्टर याद करो, ह्यूमन रिसोर्सेज थे उनको कैप्चर कर लिया। अब उसका क्या कर रहे हैं, याद करो फिर, आपके यूएस के अंदर जो भी साइंटिस्ट हैं वो कौन है, सारे जर्मन है बेटा। ये सिर्फ बाकी कोई चीज आपका ये यूएस नहीं लेगा, कोई कॉलोनी नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं लेगा, बट उसकी 10% पॉपुलेशन में से शेयर लेगा, जो उसके डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, उनको वो खुद लेगा, उनको अपने पास लेके जाएगा और बात कुछ और बोल के लेके जाएगा। तो उनकी 10% पॉपुलेशन को भी कैप्चर कर लिया, जो उनके अच्छे ह्यूमन रिसोर्स थे। देन 75% आयरन ओर, आयरन ओर जहां से आपके राइन लैंड के पास से आपका क्या निकलता है, राइन बच्चे जर्मनी की एक फेमस रिवर है, 75% आयरन को भी कैप्चर कर लिया, आयरन ओर को, वो किसने किया, आपका फ्रांस लेगा, लिथुआनिया ले रहा है, डेनमार्क ले रहा है, इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया। 26% कोल और माइंस को भी, जो उसके कंट्री में कोल माइंस थे उनको भी उसने कैप्चर कर लिया, किसने, आपके फ्रांस ने, सॉरी इन जितनी भी ये कंट्रीज है लिथुआनिया। वॉर गिल्ट, अभी भी इन लोगों का मन नहीं भरा, क्योंकि सबके ऊपर क्या है, पूरे यूरोप के अंदर जो यूरोप पहले क्या होता था, क्रेडिटर होता था, पूरे वर्ल्ड में पैसा अपना स्प्रेड करके रखता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो क्या होगा, डेब्टर बनेगा, उसको लोन लेने की नीड पड़ेगी। ड्यूरिंग वॉर भी कल हम लोगों ने बात की थी, ड्यूरिंग वॉर भी क्या करता है, यूएस से वेपन लिए सारे आपके अलाइड पावर ने, यूएस से ग्रेन लिया आपके सारी अलाइड पावर ने, तो अब वो क्या कर रहे हैं, सेम चीज, जो आपका एक यूरोप कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड में क्रेडिटर के जैसे काम करता था, लोगों को उधार देता था, लोगों को देता था, आज वो क्या कर रहा है, लोगों से उधार ले रहा है। तो इसने ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी, क्योंकि 4 साल का वॉर था बेटा, 4 साल के वॉर में वेपन्स यूज हुए हैं, जो उन लोगों ने ग्रेन खाया है वो यूज हुआ है, मेडिकल पे खर्च हुआ है, सब चीजों पे उन लोगों ने खर्च किया है, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, सबको इकोनॉमिकली क्राइसिस से को भी फेस करेंगे। अभी देखना उसका रिजल्ट और आगे दिखेगा आपको इस चैप्टर में, लेकिन अभी भी उन लोगों ने क्या किया, फाइन तो लगाना पड़ेगा, किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर, जर्मनी ने सब कुछ किया है तो उसके ऊपर 6 million पाउंड का
फाइन भी लगा दिया। अब 6 मिलियन पाउंड जर्मनी के पास क्या है? आप लोगों ने लास्ट चैप्टर जब हम लोग इकोनॉमिक्स का कर रहे थे, रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज से आपके पास मनी आएगी, लेकिन रिसोर्सेज कहाँ है? उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, तो वो पे कैसे करेगा? पैसा नहीं था। अब यहाँ यूएस आता है और यूएस क्या बोलता है, कोई बात नहीं भाई, तूने गलती की है, मेरे से उधार ले, ये 6 मिलियन पाउंड ले और तू पे कर दे। ठीक है, बेचारे को उसको जबरदस्ती लोन भी दे दिया कि पकड़िए इसको और लोन पे कर तू लोगों को। फिर जो लोन उसने यूएस का, बाकी इनको तो दे दिया, लाइड को यूएस से उसने लिया है तो यूएस का तो पे करना पड़ेगा। तो यूएस को उसने रिसेंटली 10 साल पहले 2010 के अंदर फुल पे किया है। अभी तक वो इतने सालों से पे ही कर रहा था, अब 2010 में उसने अपना पूरा डेब्ट क्लियर किया है। 2010 में देखो कितना लंबा टाइम लिया उसने, आपका अप्रोक्सीमेटली कितने 90 ईयर में उसने पूरा अपना डेब्ट दिया है। तो ये सब कुछ चीजें आप देखते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो उसकी ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी क्या थी? पीस ट्रीटी नाम दिया, जबकि पीस तो है ही नहीं कहीं भी। ट्रीटी में क्या था? जर्मनी ने अपनी कॉलोनीज को, ओवरसीज कॉलोनी को लॉस किया, अपनी आर्मी सीज करवा ली, उनके पास 13% कॉलोनी जो उसकी कंट्री की टेरिटरीज थी उनको भी उन लोगों ने कैप्चर कर लिया, उसकी पॉपुलेशन, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर जो उसके पीपल रिसोर्सेज थे उनको भी कैप्चर कर लिया यूएस ने। अब ये सारी चीजें क्या थी आपके पास? फिर लास्ट में पैसे का भी फाइन लगा दिया, जो अब आपके यूएस के लोग साइन करेंगे। एक्चुअल में इस ट्रीटी के पीछे भी बहुत बड़ी वो है, वो लोग भी विलिंगली नहीं साइन करना चाहते थे, जो इसके रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बुलाया जाता है बर्लिन से, कहां पे? आपके यहाँ पे, कौन है ये, वर्साइल्स में बुलाते हैं। तो उनको बोला जाता है कि जैसे पहले से वर्साइल में वो हॉल में एंटर करते हैं, उसके बाद बोल्ट कर दिया था और उनके सामने ये पूरे डॉक्यूमेंट्स रख दिए थे, इनको रीड करो। नो डाउट कि वो रीड करते करते इस चीज को समझ गए थे कि ये तो सारी ट्रीटी गलत है, सब कुछ हम लोगों के अगेंस्ट है, हम लोगों को ह्यूमिलेट करने वाली चीज है, एक हराश ट्रीटी हम लोगों से साइन करवाए जा रहे हैं। तब वहां पर आपके एलाइड पावर के रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने उनको सेम पैटर्न पे बोला था कि अगर आप साइन यहाँ करोगे या बर्लिन में, मतलब क्या है, अभी आपको हम लोग वाइमार जगह दे रहे हैं, थोड़ा सा एक स्पेस दे रहे हैं रुकने के लिए, अगर वो भी आप लोगों ने यहाँ ट्रीटी साइन नहीं की तो वो भी हमारा ही होगा, बर्लिन पे करोगे, मतलब क्या था, हम बर्लिन को भी कैप्चर कर लेंगे, पूरा जर्मनी हमारे अंडर होगा। तो इस तरीके की ट्रीटी उन लोगों को साइन करने पड़ी। अब जो लोग ट्रीटी साइन करके आए हैं बेटा, ट्रीटी साइन जिसने की है उनको आप बोलते हो, वो लोग थे कैथोलिक, कैथोलिक डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट, ये तीन थे। कैथोलिक कौन है बेटा? आपके रिलीजियस पर्सन थे, वो बात कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स कौन है? जिसको लगता है कि कंट्री में मोनार्की सिस्टम खत्म हो, डेमोक्रेसी आए। ठीक है, देन मोनार्क कौन था? काइजर विलहेम, वो अब क्या होगा, हॉलैंड चला गया था बेसिकली, तो वो प्रुशिया से हॉलैंड से ही थे और आपका क्या किया था, वो हॉलैंड भाग रहा था, वहां उसको पकड़ लिया था नीदरलैंड में और फिर उसको असैसिनेट किया था। सोशलिस्ट जो आपकी सोसाइटी में इक्वल राइट्स की बात करते हैं उनकी बात की थी। इन लोगों ने क्या किया, आपकी ट्रीटी साइन कर दी। ये बेचारे तो ट्रीटी साइन करके आए हैं, फोर्सफुली ट्रीटी साइन करवाई थी। अब लेकिन इनको भी क्या बोला गया, जो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव क्या बोल रहे हैं, कंजर्वेटिव ने इनको नाम दिया नवंबर क्रिमिनल्स। नाम क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने जो ट्रीटी साइन की थी वो नवंबर में की थी, इसीलिए बोल दिया नवंबर क्रिमिनल्स। किसको? कैथोलिक, डेमोक्रेट, सोशलिस्ट, एनटीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, जब आपके हम लोग टेस्ट लेते हैं या कई बार आपके मॉक टेस्ट में भी होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन पुट होता है आपका, नवंबर हूवर, नवंबर क्रिमिनल्स, कैथोलिक, डेमोक्रेट, सोशलिस्ट लोग कौन थे जो आपके नवंबर क्रिमिनल थे। यहाँ एक वर्ड आया बेटा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होगा, अगर आपके पास, हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, थोड़ा सा बैक में चलो, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में तीन तरह की थिंकिंग के लोग आए थे। एक होते थे आपके लिबरल्स, सेकंड आपके रेडिकल्स और थर्ड थे कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या है, ये ओल्ड मेथड में बिलीव करते हैं,
लिबरल्स क्या है, वो फास्ट चेंजेस की बात करते हैं बेटा। फास्ट चेंजेस मीन कि उनको हर चीज में चेंज चाहिए, वो पुराने मेथड, जैसे आप भी देखते हो कोई बहुत पुरानी थिंकिंग को रखता है आप उसको बोलते हैं बड़ी कंजर्वेटिव थिंकिंग है, बड़ी रिजिड थिंकिंग के साथ काम करता है, तो वो क्या होते हैं आपके कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव कौन थे, जो आपके मोनार्की सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, मोनार्की सिस्टम में बिलीव कर रहे थे, प्लस जिनको ये सब चीजें डेमोक्रेट सोशलिस्ट नहीं चाहिए थी, उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये लोग जो साइन करके आए हैं वो किस लिए करके आए हैं, वो अपने लालच में करके आए हैं, उनका कंट्री से कोई मतलब नहीं था, उनको तो सिर्फ क्या था पॉलिटिक्स का लालच था। अब क्योंकि इन लोगों के पास क्या आ गया, वाइमार नाम की जगह है और वाइमार रिपब्लिक उसका नाम है, वाइमार रिपब्लिक में आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी और ये लोग उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इसीलिए इन्होंने अपने लालच में अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो ट्रीटी साइन कर दी। ऐसा लोगों ने, आपके कंजर्वेटिव लोगों ने, ऐसा बिलीफ उन लोगों का था, ऐसा उन लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया। कई लोगों को ये बात अच्छी भी लगी कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो कि इन लोगों की वजह से ही आपको जबरदस्ती साइन करना पड़ा हो। आप क्या करते हैं, आगे चलते हैं इसी चीज में। वैसे तो अगर आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं बेटा, एक मिनट, अगर आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं मैं चैप्टर की, तो एनसीईआरटी कैसे आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सिचुएशन से आपका चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें एक स्टोरी दिखाते हैं, स्टोरी किसकी थी, हेलमुट नाम के करेक्टर की थी, जो आपका करेक्टर क्या था, इमेजिनरी करेक्टर था, बट उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया वो नाजी पार्टी के फॉलोअर का बेटा है। तो हेलमुट जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की कन्वर्सेशन सुनता है, पेरेंट्स लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों को एलाइड पावर पनिश करेगी, सेम उसी पैटर्न पे जैसे हम लोगों ने पूरा टाइम किसके साथ किया है, जो आपके ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर हम लोगों ने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम किया, क्रूल्टी शो की है, ऐसा ही हम लोगों के साथ करेंगे। हेलमुट में वो उसके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, अब हम लोगों को या तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन भाग कर भी कहाँ जाएंगे, हम लोगों को क्या कर रहे हैं, अपना और अपने फैमिली को किल कर लेना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि हेलमुट देखते हैं कि उसके फादर ने अपने ऑफिस में बैठ के खुद को शूट कर लिया है, और फिर वो नेक्स्ट 10 ईयर्स तक भी वो अपनी मदर के हाथ का फूड नहीं खाता, क्योंकि उसको डर लगता है उसकी मदर कहीं ना कहीं उसमें पॉइजन मिक्स करके उसको दे देगी। हेलमुट की स्टोरी ऐसी बताई है। एक्चुअल में इस स्टोरी के पीछे आप लोगों के सामने रेडी करना था प्लेटफॉर्म, एक अच्छी पिक्चर आप लोगों के सामने दिखाई, पिक्चर किस चीज की कि देखो उसने सुसाइड किया, अपने आप को शूट किया है, उसमें दिखाया कि हिटलर खुद शूट करेगा अपने आप को। फिर वो बता रहे हैं कि हिटलर के टाइम पीरियड में कैसे लोगों के साथ क्रूल्टी हुई है, कैसे मास किलिंग हुई है, लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डाला है, उनका फाइनल ट्रीटमेंट किया है, फाइनल सॉल्यूशन उन लोगों के लिए। ये नाम देता था हिटलर, बहुत क्लेवर पर्सन था, वो कभी भी किसी को नहीं बोलता था मार दो इसको पकड़ के गैस चैम्बर में डाल दो, वो उनके लिए वर्ड थे उनके, इसका फाइनल सॉल्यूशन करना है, इसका फाइनल ट्रीटमेंट करना है, ये सारे वर्ड वो लिखता था, इसको कंसंट्रेशन कैंप में डालो, नाम थे उनके इस चीजों के लिए। तो उसने वो हेलमुट की स्टोरी से ऐसे स्टार्ट किया है। लेकिन फिर वो क्या बताते हैं, हेलमुट की जो स्टोरी थी उसमें वो बात करते हैं कि जो आपकी इंटरनेशनल, देखो इसको ये लिख लेना बेटा, आपका जो स्टोरी की हम बात कर रहे हैं ना, आपकी इंटरनेशनल एक कोड सेट होती है जिसका नाम था इंटरनेशनल, मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ये थी आपकी न्यूरेमबर्ग, यहाँ क्या बात की बच्चे हम लोगों ने,
इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एक कोर्ट आपकी सेटअप की है, यानी आपके जो वॉर क्लॉजेस के गिल्ट क्लॉजेस के अंडर एक कोर्ट सेटअप कर दी, उसमें अलाइड पावर ने पनिश करना था किसको, नाजी आइडियोलॉजी को जो फॉलो करते थे नाजी पीपल को। न्यूरनबर्ग में ये सेटअप हुई, न्यूरनबर्ग के अंदर इनको पनिश करना था, लेकिन ये अलाइड पावर इस बार उतनी हराश नहीं होती जितनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी जब उन्होंने ट्रीटी साइन की थी। इस बार उन लोगों ने देख लिया था कि वर्ल्ड वॉर वन में आपकी जर्मनी के साथ जो इतनी हराश ट्रीटी उन्होंने साइन करवाई थी, इतने फोर्सफुली उनको ह्यूमिलेट किया था, उसका रिजल्ट हिटलर आया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर उन लोगों ने फेस किया। आप वो क्या करते हैं, क्योंकि जबकि अगर वो चाहते हेलमुट के फादर को तो वही डर था कि हम लोगों के साथ इतना ही गलत होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 11 पीपल को आपका पनिश किया था, 11 पीपल को पनिश किया है, जो बहुत उनको ये लगा होगा ये बहुत ही ज्यादा हाई पोस्ट पे थे, हिटलर के बहुत क्लोज थे, उनको ही सिर्फ पनिश किया, बाकी सबको नहीं किया। क्यों नहीं किया, जबकि इनका गिल्ट जो था, इनका क्राइम जो था, इन 11 पीपल का जो उन्होंने ऑस्विच में किया है, ऑस्विच क्या है, पोलैंड में बेटा कंसंट्रेशन कैंप था हिटलर का, पोलैंड के अंदर जगह का नाम है ऑस्विच, ऑस्विच के अंदर जो क्या था, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कैंप वही था इनका कंसंट्रेशन कैंप, 6 मिलियन ज्यूज को मारा इन्होंने, 2 लाख जिप्सीज को, 70,000 जर्मन पीपल को भी। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि ज्यूज को मार रहे हैं क्योंकि उनके अंदर अपनी रेस को, आर्यन रेस को ऊपर करना था, जिप्सीज को मार दिया, ओके, लेकिन जर्मन पीपल को क्यों मार रहे हैं, क्योंकि उसने क्या किया था, अपनी कंट्री के अंदर भी डिजायरेबल अनडिजायरेबल पीपल की कैटेगरी रख दी थी, वॉर इज नॉट पीसिबल। मैम व्हाट इज कंसंट्रेशन कैंप, कंसंट्रेशन कैंप बच्चे जहां पर वो फाइनल सोल्यूशन करता था, फाइनल ट्रीटमेंट करता था, फाइनल ट्रीटमेंट मास किलिंग करता था लोगों की, जेनोसाइड किया उसने, मास किलिंग, लोगों को मारता था, गैस चैम्बर में डाल देता था, गैस चैम्बर में वो इतने सारे लोगों को डाल दिया, ऊपर से गैस खोल दी और उसके अंदर वो लोग घुट घुट के मरते रहते थे, तो इतना बहुत बुरी तरीके से उनके साथ करता था, उसको उसने नाम दिया था कंसंट्रेशन कैंप। वैसे तो कंसंट्रेशन कैंप का मतलब कुछ और ही होना चाहिए, लोग सत्संग वत्संग करते हैं, अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन वो उनको कंसंट्रेशन कैंप में कैसे भेजता था, उनको गैस चैम्बर में डाल देता था रूल पर्सन। सिर्फ 11 लोगों को पनिश किया, ये आपका उसमें चैप्टर को जब स्टार्ट किया है तब की बात है कि इतने लोगों को उन्होंने मारा था, और इतने लोगों को सिर्फ आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अलाइड पावर थी उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने बहुत हराश ट्रीटी इस बार साइन नहीं की। अब क्या है बच्चे, जैसे ही आपका वर्ल्ड वॉर वन था तो इसके बहुत सारे इफेक्ट अब आपको देखने को मिलेंगे। इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन क्या किया, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, इसको ऐसे ही लिखेंगे बेटा, वर्ल्ड वॉर वन को फुल नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे वर्ल्ड वॉर वन। सबसे पहले तो अब आप देखते हो वर्ल्ड वॉर वन का इफेक्ट क्या होता है, यूरोप क्या था, यूरोप बिकेम क्रेडिटर टू डेबिटर, सेकेंड डीप इम्प्रिंट ऑन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, देन बात करते हैं इट डिवास्टेटिंग इंपैक्ट, डिवास्टेट साइकोलॉजिकल फाइनेंशियल इंपैक्ट, बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक, देन ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, एंड एट लास्ट राइज ऑफ
को लिख दू पहले, मीडिया वॉज ग्लोरीफाइंग ग्लोरीफाइंग द ट्रेंच लाई. देन इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री. At last, rise of Hitler. मेरे अकॉर्डिंग एक और भी होना चाहिए, एंड इट वॉज बेस फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है बच्चे, ये चीजें हम लोगों को पॉइंट क्लियर. इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन. वर्ल्ड वॉर वन के इफेक्ट आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर. सबसे पहले तो इफेक्ट यही है, यूरोप जो था पूरे वर्ल्ड को क्रेडिट करके बैठा था, पूरे वर्ल्ड में अपना पैसा देता था, अब वो क्या बन गया, डेप्टर बन गया. डेप्टर कैसे बना और क्रेडिटर कैसे था, पहले तो उसने पूरे वर्ल्ड की कॉलोनीज ले रखी थी. नो डाउट कॉलोनीज अभी भी इसी के पास है, कॉलोनीज को कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतने सालों तक लॉन्ग टाइम पीरियड तक इन लोगों ने वॉर में पार्टिसिपेट किया, तो बेचारों के जो टेरिटरी थी वो तो खाली होगी ना, कुछ नहीं बचा. और पैसा किससे लेते रहे थे, यूएस से. अब यूएस का तो पैसा रिटर्न करना है, यूएस का तो पैसा रिटर्न करना है. तो कल भी हम लोगों ने बात की थी, यूएस क्या बन गया है, सुपर पावर बन चुका है. सबको पैसा दिया, सबको सब कुछ देगा, वेपन्स दिए, पैसा दिया, ग्रेन दिया, वो तो क्या बन गया, सुपर पावर. और ये लोग क्या हो गए, डेप्टर हो गए, उसके कर्जदार हो गए यूएस से. देन बात करते हैं डीप इम्प्रिंट ऑन द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक. अब ये चीज क्या कर रही है, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, इसने सब चीजों के ऊपर आपकी एक डीप इम्प्रिंट किया है, गहरी छाप छोड़ी है. वो कौन से, आपकी सोसाइटी को, आपके पॉलिटिकल को, आपके इकोनॉमी को. बात यह आती है सोसाइटी में क्या हुआ है, सोसाइटी में क्या होता है. जिस टाइम आपका वर्ल्ड वॉर वन था, मेल मेंबर कहाँ थे, फील्ड में थे, वेपन्स फैक्ट्रीज में, या वेपन्स या कुछ और काम करने के लिए फैक्ट्रीज में कौन आई, फीमेल को लेके आए. फीमेल लेके आई तो उनकी फैमिली का स्ट्रक्चर अब इनबैलेंस होगा. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बात तो मेल मेंबर्स की डेथ, इतनी ज्यादा डेथ हुई थी, जो कि रशिया में आज भी मेल रेशो बहुत कम है उसी चीज की वजह से. तो आपका क्या है, उनका सोशल इम्बैलेंस हो गया. फैमिलीज में फीमेल आई, फीमेल ने अपने राइट के बारे में हम ज्यादा बात करना स्टार्ट कर दिया. उसके कुछ टाइम के बाद क्या है, डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए थे, तो सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ. प्लस क्या हुआ है कि लोगों के पास अब काम नहीं रुकेगा, कुछ दिनों के बाद अब लोगों के पास काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो लोग क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे. क्रिमिनल एक्टिविटी में होंगे तो सोसाइटी के लिए थ्रेट बनेंगे, तो उनका सोसाइटी का सोशल चेंज हुआ. देन बात करते हैं पॉलिटिकल चेंज. पॉलिटिकल चेंज क्या था, कल हम लोगों ने देखा था कि आपका ग्रेवयार्ड ऑफ द बिग एम्पायर, ये आपका क्या था, बिग एम्पायर के लिए ग्रेवयार्ड था. कौन कौन थे, रशिया का आप लोगों ने देख लिया था, सेकेंड आपने जर्मनी का देख लिया, थर्ड नंबर पे आपने ऑटोमन बिस्मार्क का देखा था, ऑस्ट्रियन हंगेरी का देखा था, कि फोर बिग एम्पायर जो थे उनके लिए ग्रेवयार्ड का काम किया है. किसने, आपके वर्ल्ड वॉर वन ने. प्लस उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और चेंज हुआ, क्योंकि अब नई तरह की सिटीज, नई तरह की कंट्रीज आपके सामने आई. जो कंट्री वर्ल्ड वॉर वन से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, अब वर्ल्ड वॉर वन के बाद नई आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री लोगों के पास आई. लोगों मीन्स की कंट्रीज, यूरोप के पास डिफरेंट डिफरेंट नई कंट्रीज भी आई, पॉलिटिकल चेंजेस आए. कैसे, एक पहले मोनार्की सिस्टम था, अब डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा. तो ये चीज, इकोनॉमिक पैसा तो लॉस हुआ ही है सबका, पैसा लॉस हुआ तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करेंगे. इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिन फैक्ट्रीज में लोग पहले वेपन प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वेपन की नीड नहीं है, कोई और चीज उनको काम उन फैक्ट्रीज में करना नहीं है, तब क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या हुआ, लोग जॉबलेस होंगे. जॉबलेस होंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे कैसे फेस करेंगे वो देखना. वो तो आपके इम्पैक्ट जर्मनी का अलग से हम कंपैरिजन करेंगे, ये तो पूरे वर्ल्ड की, यूरोप की बात कर रहे हैं हम लोग, और उसका अलग से यूएस का अलग देखेंगे. इट वॉज डिवास्टिंग साइकोलॉजिकल फाइनेंशियल इम्पैक्ट. अब क्या है, लोगों के अंदर साइकोलॉजिकल, उनके माइंड के अंदर भी बहुत सारी चीजें चेंज हुई. वो टेरर में रहते थे लोग,
क्योंकि क्या पता किस टाइम बॉम्बिंग हो जाए, उस टाइम उन लोगों ने वो फेस किया था, फाइनेंशियल तो वो ड्रेन पूरी तरह से हो ही गए थे। इस चीज को देखते हैं, अगर उन लोगों के पास जॉब नहीं है, फाइनेंशियल ड्रेन है पूरी तरह से, तो साइकोलॉजिकल तो वैसे इनसिक्योरिटी रहेगी लोगों के पास। देन बात करते हैं बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक। अभी हम लोगों ने बात किया कि उनकी जर्मनी के अंदर क्या हुआ। हाँ देखो बच्चे, वाइमार रिपब्लिक को ही मैं कर रही हूँ रिपीट आपके सामने। बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक, बर्थ से मतलब क्या था कि आपका नई नई कंट्री का जन्म हुआ। नई कंट्री का क्या, अगर आप देखते हो, अगर इमेजिन करो कि ये कोई पूरा का पूरा ये जर्मनी था, तो जर्मनी के किसी एक पोर्शन को दे दिया, ये अब आपका वाइमार रिपब्लिक है, एक जगह को बोल दिया, बाकी सारी को आपकी अलाइड पावर ने कैप्चर कर लिया। तो ये जो सिटी थी, ये जो कंट्री बना दी किसकी, जर्मनी की, और नाम क्या है, वाइमार रिपब्लिक। क्लियर इतनी सी बात, ये था बर्थ ऑफ वाइमार। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी, डेमोक्रेट गवर्नमेंट। क्लियर बच्चे, है तो ये सारा जर्मनी, लेकिन अब किसमें होगी जर्मनी के लोगों की, बाकी तो सब किसके अंडर है, अलाइड पावर के अंडर है, सिर्फ ये जगह है जर्मन लोग अपना फ्रीली रह सकते हैं। क्रिएट द इकोनॉमिक डिप्रेशन, बच्चे इसको क्या है, ये पूरे वर्ल्ड को पूरी तरह से क्या कर देगा, ड्रेन करेगा, सक करेगा उनको पूरी तरह से, ये करेगा कौन, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो आपके यूएस के अंदर आएगा, यूएस 1929 के अंदर। यूएस 29 के अंदर क्या आता है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज न्यूयॉर्क में बेटा, ये आपका उनका वर्ल्ड की लार्जेस्ट शेयर मार्केट, ट्रेड मार्केट है। तो इसको क्या हुआ, ये क्रैश हो जाती है, ठीक है, जैसे सितंबर 2001 में क्या हुआ था, 9 सितंबर 2001 के अंदर आपके ओसामा बिन लादेन ने क्या किया था, उसके ऊपर बॉम्बिंग कर दी थी ट्रेड सेंटर के ऊपर, ठीक है, उसके बाद भी रिसेशन आया था। तो यही चीज वो है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था आपका, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सचेंज मार्केट थी, जो क्रैश हो गई थी। क्रैश कैसे होगी, क्योंकि पैसा नहीं था, ड्रेन हो गया सारा पैसा, खत्म हो गया, लोगों के अंदर इनसिक्योरिटीज आई। तो इसका इंपैक्ट, क्योंकि यूएस ने तो पूरे वर्ल्ड को पैसे दे रखे हैं और पूरे वर्ल्ड से पैसे लेने भी हैं, तो वो क्या कर रहा है, अब इसका इंपैक्ट, अगर ये चीज यूएस के अंदर आपकी हैपन होती है, तो वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर इंपैक्ट डालेगी, वो चीज देख रही है। मीडिया वाज ग्लोरिफाइंग द ट्रेंच लाइफ, अब क्या कर रहा है, मीडिया आपका एक्टिवली काम करना स्टार्ट करता है, फ्रीली काम करना स्टार्ट कर देता है, और वो मीडिया बार बार क्या करता है, वो ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करता है। ट्रेंच लाइफ क्या होती है, एक डीप आपका एरिया होता है, किसमें, बाउंड्रीज पे, मोस्टली ये सबसे ज्यादा फेमस था फ्रांस और जर्मनी की जो बाउंड्रीज पे था, उसमें क्या करते थे सोल्जर्स, अपने आप को हाइड करके रखते थे, जैसे ही क्या करते थे, कोई सामने से उनको दिखता था कोई आ रहा है, उसके अंदर बैठे रहते थे, उसको बुलेट से उड़ा देते थे। तो मीडिया क्या था, ट्रेंच लाइफ को बहुत ग्लोरीफाई करता था, जबकि कंडीशन उसकी कुछ और थी। ऐसा भी अज्यूम किया गया है कि आपके ट्रेंच लाइफ में बुलेट से इतने सोल्जर्स नहीं मरे हैं जितने वहां पे, जो उन लोगों को फंगस हो गया था, फंगस के बाद, फंगस कैसे कि रैट्स वहां कॉफ पड़ी रहती थी, यानी लाशें पड़ी रहती थी, अब लाश पड़ी है तो उसके ऊपर रैट्स आएंगे, रैट्स आ रहे हैं तो वहां बैक्टीरिया इतना ज्यादा होगा, इतने ज्यादा वायरस आएंगे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपके सोल्जर्स दूसरे बीमार हो के सोल्जर भी मरे थे, और इतने टाइम तक वो स्नो के बीच में खड़े थे, उनके पैरों के बीच में भी फंगस आ गया था। तो ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करते थे, जबकि एक्चुअल में दूसरी चीज थी। इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री, अब उन लोगों ने इतना सोच लिया कि अगर मिलिट्री अच्छी है ना आपके पास, नेवी अच्छी है, मिलिट्री अच्छी है, तभी आप अपने आप को सर्वाइव करोगे, हिटलर यही बात बोलेगा। तो उसने इम्पोर्टेंस बता दी किसकी, मिलिट्री की, क्योंकि क्या देख रहे हैं वो, वर्ल्ड वॉर वन के बाद बेचारे जर्मनी को 1 लाख की आर्मी मिलती है, इस चीज की बात करेंगे। देन राइज ऑफ हिटलर, किसकी बात करते हैं, आपका हिटलर का राइज होगा, इसके बाद वर्ल्ड वॉर वन की ये जो कंडीशन फेस करेंगे, उसी ने आपके हिटलर को भी बर्थ दिलवाया, हिटलर अब स्टार्ट होगा। देन बात करते हैं किसके, ये सारी कंडीशन तो होती है, अगर ये सब कुछ ना होता, ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स ना होती, राइज ऑफ हिटलर ना होता, अगर राइज ऑफ हिटलर ना होता तो वर्ल्ड वॉर टू भी ना होता। तो ये सारी चीजें आपके वर्ल्ड वॉर वन के इंपैक्ट थे, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ रेडी हो जाता है। क्लियर बेटा, कोई डाउट इससे रिलेटेड, अगर डाउट है तो बता दो। वाइमार रिपब्लिक, नेशनल असेंबली,
assembly came together at Weimar. Then kya kiya unhone? Form constitution. Then क्या करते हैं deputies were elected for parliament on the base of universal adult franchisee. अब वाइमर रिपब्लिक अलाइड पावर ने डिक्लेयर कर दिया आपकी क्या होगी 1 September 1939 to 1945. वेरी गुड. अच्छा अंकित थैंक यू. लेकिन अभी तो टाइम है बेटा, अभी तो उसी कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हम लोग 1919 में फेस करेंगे. आपकी नेशनल असेंबलीज यानी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, कल हम लोगों ने बात की थी क्या, आपके पास पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं, बट वो एक्टिवली गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती. कब तक? 1914 तक पूरे यूरोप में. यूरोप में पॉलिटिकल पार्टीज तो फॉर्म होंगी बट वो कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती. कब तक? 1914 तक. कंडीशन ऐसी थी. देन अभी क्या करते हैं, नेशनल असेंबली. फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था नेशनल असेंबली कौन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती है. तो यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या करते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग के लिए कहाँ इकट्ठे होते हैं, वाइमार में इकट्ठा हो जाते हैं. प्लस वाइमार में इकट्ठा होकर वो अपनी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हैं. फ्रेम कैसे किया? उन्होंने डिप्टीज को इलेक्ट कर लिया, इलेक्शंस करवाएंगे. डिप्टीज क्या होते हैं? लाइक अपने जैसे एमपीज होते हैं, उनके वहां क्या थे? डिप्टीज थे. और वो एक फेडरल स्ट्रक्चर रेडी करेंगे. फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? आपके पास गवर्नमेंट के टू और मोर लेवल होते हैं. तो ठीक है, उन लोगों ने भी ऐसा ही किया. एक फेडरल स्ट्रक्चर पे अपनी गवर्नमेंट को सेटअप कर रहे हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन उसी बेस पे वो फ्रेम कर रहे हैं. देन डिप्टीज को इलेक्ट किया किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए. पार्लियामेंट का नाम क्या है बेटा? राइक्सटैग. राइक्सटैग ये उनकी पार्लियामेंट का नेम है. तो वो राइक्सटैग के लिए क्या कर रहे हैं? अपने डिप्टीज को इलेक्ट कर रहे हैं. डिप्टीज कौन है उनके? जैसे अपने एमपीज होते हैं. तो उसके लिए कैसे किया? अब उन्होंने पूरी तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो किया. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कौन? जितने भी एलिजिबल पीपल होते हैं, एलिजिबल पीपल को वोटिंग राइट दिया. एलिजिबल पीपल कौन है वोटिंग राइट वाले? यानी मेल फीमेल सब इक्वल है, सबको वोटिंग राइट दे दिया. जितने भी आपके एलिजिबल पीपल थे, उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो किया. देन वो फेडरल स्ट्रक्चर पे अपनी गवर्नमेंट रेडी करते हैं. बट वो तो अपने लिए गवर्नमेंट रेडी कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? आपका वाइमार रिपब्लिक की जो गवर्नमेंट थी, वाइमार रिपब्लिकन गवर्नमेंट फेस द ऑपोजिशन बाय द कंजर्वेटिव. अब जो ये गवर्नमेंट थी बेटा, कौन सी? आपकी वाइमार रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने क्या किया? आपका कंजर्वेटिव लोगों ने, कंजर्वेटिव पहले ही बता दिया कि जो आपके पूरे बिलीफ रखते हैं किसमें, जर्मनी के, ओल्ड जर्मनी में, उन लोगों ने इसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया कि ये सब तो अपने लालच में किया है इन्होंने. अब देखो गवर्नमेंट इनके पास आ गई है, ये तो अपने चक्कर में ट्रीटी साइन करके आए हैं. अदरवाइज आपकी क्या थी? कभी आर्मी तो डिफीट हुई नहीं है. आपके हिटलर ने भी यही बात बोली थी, क्योंकि हिटलर जो है एज अ मैसेंजर आपकी आर्मी को ज्वाइन करेगा, जर्मन आर्मी को, एज अ सोल्जर नहीं, एज अ मैसेंजर उसने किया था. और साथ में इसके एक जनरल आएंगे, जनरल और वो मिल के शोर मचाते हैं लोगों के सामने कि जर्मन आर्मी ने कोई ट्रीटी नहीं साइन की, जर्मन आर्मी को तो कोई डिफीट कर ही नहीं सकता, ये सब तो इन लालची लोगों ने, लालची किसके? पॉलिटिकल उसके सिस्टम के जो लालची लोग हैं, इन लोगों ने अपने लालच में क्या किया, उस ट्रीटी को साइन करके आगे, इतनी गलत ट्रीटी को. कुछ बचा ही नहीं अपने पास. इन लोगों को क्या था? सिर्फ अपना गवर्नमेंट लेनी थी, इसीलिए इन्होंने साइन किया. लोग इसीलिए भी आपके हिटलर से काफी इंप्रेस होते हैं, उनको बात वो सच लगती है कि ये सही में ऐसा किया, जबकि उनको कंडीशन नहीं पता थी कि वहां पर क्या उन लोगों के साथ हुआ है.
तो आपके कंजर्वेटिव ने इनको अपोज करना स्टार्ट कर दिया और इनके लिए क्या बोल दिया, द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या बोल दिया आपके वाइमार रिपब्लिकन को, द पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी को डिफीट करवाने में ये लोग पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है और इनको मॉक कर दिया, इनके लिए वर्ड यूज कर दिया क्या, नवंबर क्रिमिनल। कौन है ये लोग, नवंबर क्रिमिनल्स हैं जो कंट्री के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, नवंबर क्रिमिनल्स हैं। पूरी तरह से इनको ब्लेम कर दिया किसने बच्चे, ब्लेम बाय कंजर्वेटिव। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्होंने तो बोल दिया कि सारी गलती इनकी हो। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो इनको सपोर्ट करेंगे, वो कौन थे आप लोगों को पता ही है, सपोर्ट करने वाले कौन है, सोशलिस्ट डेमोक्रेट कैथोलिक, ये लोग थे। सेकंड फिर हम लोग बात करते हैं, मैम ये किन्होंने बोला, बच्चे आपके कंजर्वेटिव जो जर्मनी के अंदर बिलीफ रख रहे हैं ओल्ड जर्मनी की हेरिटेज पे, जर्मनी के लास्ट प्रीशियस वो जो था उनका कल्चर था उसके ऊपर बिलीफ रख रहे हैं, उन लोगों ने कंजर्वेटिव नाम दिया। अब एक एक दो दो बंदे थोड़ी होते हैं, पूरा का पूरे ग्रुप को नाम दे रहे हैं ना हम लोग कंजर्वेटिव, उसकी बात कर रहे हैं। अब दूसरे साइड क्या बेटा, आपका वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट जो है आपका द ईयर ऑफ डिप्रेशन, आपका क्या बोलता है, द ईयर ऑफ डिप्रेशन। ईयर ऑफ डिप्रेशन में देख लेते हैं वो कौन था, द ईयर ऑफ डिप्रेशन, टाइम पीरियड 1929 में होगा और चलेगा 32 तक। ठीक है, कहां हुआ, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929 यूएस। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ यूएस में इसका, यूएस विड्रॉन द हेल्प, सेकेंड फैक्ट्रीज शट डाउन, पीपल वर पीपल सोल्ड देयर शेयर्स, बैंक्स वर रैप। और क्या बोलूं इसको, फैक्ट्री शट डाउन होगी, 30 मिलियन शेयर्स, पीपल सोल्ड देयर शेयर्स, प्राइसेस, एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा बेटा, प्राइसेस फेल डाउन। और इसमें इन्वेस्टर आस्किंग फॉर द मनी बैक, इन्वेस्टर आस्किंग फॉर देयर मनी, देन और क्या होगा, फार्मर एक्सपोर्टर फेल डाउन। ये सारी अभी यूएस की कंडीशन बता रही हूं मैं, नेशनल इनकम ऑफ नेशनल इनकम
सर्विस सेशन इन यूएस देखो बेटा, इतने लंबे सालों तक, 4 साल तक युद्ध चला है, 4 साल तक जो वॉर चला है उसकी वजह से लोगों को फाइनेंशियली ट्रेन कर दिया था किसने, आपके इतने बड़े वॉर ने। अब इसका क्या होता है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया। क्रैश क्या, जब पैसा नहीं रहता उस चीज को क्रैश बोलते हैं बेटा। पैसा क्यों नहीं था, देखो अब देखो कैसे पैसा नहीं था, यहां से देखते हैं। फैक्ट्री शट डाउन, पहली कंडीशन, फैक्ट्री शट डाउन। कई तरीके से फैक्ट्री शट डाउन हुई है। पहली फैक्ट्री तो वो शट डाउन होगी जो वेपन्स रेडी कर रही थी, जो सिर्फ वॉर के लिए इक्विपमेंट रेडी करती थी, वॉर से रिलेटेड चीजों को प्रोड्यूस करती थी। अब वॉर ही नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो उन फैक्ट्रीज की नीड नहीं है, वो शट डाउन होगी पहली फैक्ट्रीज। दूसरी फैक्ट्री जो थी, आपका पूरा यूएस जो था लोगों को हेल्प प्रोवाइड करवाता था, मनी प्रोवाइड करता था, लोन प्रोवाइड करवाता था, लेकिन अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो फैक्ट्रीज में, वैसे दूसरी फैक्ट्रीज में पैसा लगाने को पैसा नहीं है तो वो भी फैक्ट्रीज शट डाउन होगी। सेकेंड नंबर पे क्या है, जैसे जैसे आपका प्राइस हर चीज का डाउन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अब प्राइस क्यों डाउन हुआ, सबसे पहली बात तो अगर आपकी फैक्ट्रीज में वॉर से रिलेटेड प्रोडक्ट थे, नीड नहीं थी, कोई खरीदेगा नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्हें बुने दाम में अपनी चीजों को बेच रहे हैं, प्राइस डाउन। सेकेंड थिंग क्या हुआ बेटा, आपका जिस टाइम वर्ल्ड वॉर वन था, आपके यूएस ने क्या प्रोमिसेस किया था, ग्रेन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वेपन्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप अपने कंट्री की फैक्ट्रीज में कुछ और चीज तैयार करो, यानी जो वॉर से रिलेटेड चीजें तैयार करो। अब पूरी कंट्री में ने क्या किया, आपके इंग्लैंड ने भी अपने ग्रेन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, फ्रांस ने भी कर दिया, रशिया तो ऑलरेडी करता था। अब पूरी मार्केट में जब इतना ग्रेन आ जाएगा, प्लस वो यूएस को ग्रेन देने के लिए जाएगा, यूएस के पास पैसा नहीं है, तो अब वो बोलता है मुझे ग्रेन के बदले ग्रेन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए यार, मेरे पास तो ग्रेन ऑलरेडी है, मेरी प्रेरित तो फुल है, मेरे सिलॉस तो फुल पड़े हैं, किससे, प्रेरित से ग्रेन इतना आ रहा है। तो हर चीज का प्राइस डाउन हो गया, फार्मर क्या हो गए हैं, फार्मर सेल डाउन हो गए हैं, प्लस आपके जो एक्सपोर्टर पहले ग्रेन प्रेरीज में प्रोड्यूस करते थे, एक्सपोर्ट करते थे यूरोप में, अब वो सारे भी एक्सपोर्टर बेचारे बैठ गए अपने घर पे, पैसा नहीं है तो किसको प्रोड्यूस देंगे, वो एक्सपोर्ट करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या हुई, पीपल, अब जब लोगों के पास पैसा नहीं है, धीरे धीरे बैंक करप्ट हो गए हैं, बैंक के पास भी पैसा नहीं है, बैंक दिवालिया हो गया, अब उन्होंने क्या किया, बैंक ने अपने पैसे खींचना स्टार्ट कर दिया, लोगों के पास सेविंग ही नहीं है, तो लोगों ने अपने क्या किया, जो फैक्ट्रीज में शेयर होते हैं शेयर मार्केट के, उनको बेचना जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिया। 29 अक्टूबर को ऐसा डे सेलिब्रेट किया जाता है, 29 ही थी आई थिंक, या 24 थी, देखो क्या था, 24 है बेटा ये, 29 ही है, 24 थी, 1929 का तो टाइम पीरियड था, ईयर था। 24 अक्टूबर को क्या करते हैं, लोगों ने 13 मिलियन शेयर सेल किए अपने, इतना बड़े अमाउंट में अपने शेयर सेल कर दिए 24 को। तो उसके बाद क्या हुआ, आपके बैंक रैप्ट हो गए, जिन लोगों की थोड़ी बहुत सेविंग थी, लोगों को ये लगने लगा कि बैंक अब बंद होंगे तो अपना पैसा निकाल लो, विड्रॉल कर लो, बैंक तो ऑलरेडी रैप्ट पड़ा बेचारा, उसके पास पैसा कहाँ से आ गया। हर चीज के प्राइस डाउन हो गए, प्राइस डाउन हुए तो अब क्या होता है, जो इन्वेस्टर थे वो लोगों से अपना पैसा वापस मांग रहे थे, जिन लोगों ने किसी के फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया था, किसी और चीज में इन्वेस्ट किया था, वो अपना पैसा भी वापस मांग रहे थे, दे दो पैसा, सबको डर था कि हमारा पैसा डूब जाएगा। देन बात करते हैं किसकी, इस चीज का रिजल्ट क्या हुआ, यूएस की इनकम हाफ से भी कम होगी, इन 4 सालों में ये रिजल्ट देखो गया, हाफ से भी कम हुई, हाफ से कम हुई तो आपके यूएस के अंदर क्या आ गया, रिसेशन का टाइम पीरियड आ गया। उसका वर्ल्ड ट्रेड पे जब अटैक हुआ था उसके बाद भी पूरे यूएस में रिसेशन आया था, तो ये चीज यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर भी वो रिसेशन आ गया। और ऐसा नहीं था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 2001 में हुआ था, उसके एकदम 4 से 5 साल के बाद उन लोगों की जॉब चली गई थी, लोगों के पास कोई जॉब नहीं थी यूएस के अंदर। तो सेम कंडीशन इस टाइम पे भी हुई थी, 1929 और 32 के बीच का जो टाइम पीरियड था, लोगों की हालतें खराब थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास जॉब नहीं थी, फैक्ट्रीज बंद थी, प्राइसेस नहीं थे, फार्मर की कंडीशन खराब थी, एक्सपोर्टर की कंडीशन खराब थी, सब जगह पैसे के लिए लोगों ने हाय सोबा मचा रखी थी। इतनी बात समझ आई। अब दूसरी साइड इसका एक बार एक पैराग्राफ और कर लेते हैं, यानी एक टॉपिक और कर लेते हैं, जर्मनी के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है,
फिर इसके बाद ये क्लास आपकी ओवर होगी, जर्मनी इंपैक्ट। एक्चुअल में क्या होगा बच्चे, आपकी ना मैं सबसे बात करके वेनसडे और आपकी थर्सडे की क्लास कंबाइन क्लास लिया करूंगी 17 सेक्टर के बच्चों के साथ, क्योंकि उस दिन वेनसडे और थर्सडे को मेरी उधर भी क्लास होती है तो फिर मेरी काफी लंबी क्लासेस चल जाती हैं, तो मैं उस चीज को अवॉइड करने के लिए। यस बच्चे 2001 में नहीं उसके बाद बोला है मैंने रिसेशन आया था, एकदम थोड़ी आ जाएगा धीरे धीरे उनके वर्ल्ड ट्रेड एक्सचेंज रिसेशन था 2009 तक उनका बहुत बड़ा रिसेशन, फिर आपके ओबामा की जिस टाइम गवर्नमेंट आती है 8 में वो फिर ग्रो करते हैं कंट्री की इकोनॉमी को, ओसामा बिन लादेन इनको भी मरवाएंगे। जर्मनी पे इम्पैक्ट देखो बेटा आपका वर्ल्ड पीस का क्या हुआ था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का, 40% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस, प्रोडक्शन रिड्यूस्ड। देन सेकंड नंबर पे वर्कर्स लॉस्ट जॉब्स प्लस रिड्यूस, जिनके पास कुछ ने तो अपनी जॉब खो दी, जिनके पास जॉब थी उन्होंने क्या कर दिया उनकी वेजेस रिड्यूस होगी, 6 मिलियन अनएम्प्लॉयड पीपल। पीपल या पॉपुलेशन कुछ भी लिख दो। क्रिमिनल एक्टिविटी पीपल रेडी टू डू एनी जॉब, यूथ इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटी। सेविंग्स वैनिश्ड डिसअपियर भी लिख सकते हो। करेंसी लॉस्ट वैल्यू, ये देखो बेटा पहली क्या है जर्मनी के ऊपर इंपैक्ट देख रहे हैं, जर्मनी पे आपके इस चीज का क्या इंपैक्ट आएगा। जर्मनी ने अपनी 40% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, क्योंकि जर्मनी में भी तो वर्ल्ड वॉर से पहले वही चीजें तैयार हुई थी, अब उनका भी वही हो गया 40% तक, तो इन्होंने अपना प्रोडक्शन ही रिड्यूस कर दिया। प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ तो बहुत सारे वर्कर्स की जॉब चली गई, या जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं जिसको किसी को रखा भी है उनकी सैलरी जो थी वो काफी ज्यादा रिड्यूस कर दी। देन बात करते हैं 6 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड है, अब इतना बड़ा पेंडेमिक इस टाइम पे अपनी कंट्री में चल रहा है तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है इस पेंडेमिक में, लोगों के पास जॉब नहीं है क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो गई है तो जॉब बंद हो गई है, या जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी क्या होगी रिड्यूस कर दी है। ऐसी सिचुएशन है, कुछ एक सेक्टर है जिसमें आपकी अच्छी सैलरी अभी भी चल रही है, वर्कर्स ने अपनी जॉब रिड्यूस कर दी और उनकी वेजेस भी, पहले जॉब लॉस हुई है और कुछ जो लोग वर्कर इन्वॉल्व थे जॉब में उनकी क्या है उनकी चल रही है वेजेस, अच्छी वेजेस रिड्यूस होगी। 6 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड है, वही अपनी कंट्री में अभी हम पेंडेमिक के टाइम पे देख रहे हैं, उस टाइम में जर्मनी के अंदर ये कंडीशन थी कि बेचारों की पीपल जो है अनएम्प्लॉयमेंट की। अब जो लोग वर्किंग करने के लिए रेडी थे वो लोग अपने क्या करते थे, एक चौक पे खड़े हो जाते थे और अपने गले के अंदर एक वो पहन के रखते थे स्लेट सी, उसके ऊपर लिखा था कि विलिंग टू डू एनीथिंग, वो ऐसा लिख के खड़े रहते थे कि उनसे काम करवाओ जितनी देर मर्जी काम करवाओ वो रेडी थे। तो जो लोग पीपल क्या है रेडी टू डू एनी जॉब, वो कुछ भी काम कर सकते हैं, उस टाइम वो नहीं था कि कोई डॉक्टर है इंजीनियर है यार कहीं मजदूरी करवा लो हमसे और पैसा दे दो खाने के लिए चाहिए। यूथ अब काम नहीं था, लोग क्या थे आपके क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए, अगर कोई मिल गया उससे चेन स्नेचिंग कर ली, उनसे कुछ और स्नेच कर लिया, वो सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में, या किसी को चाकू दिखा के कुछ छीन लिया। जो लोग सैलरी पर्सन थे या पेंशन पे डिपेंडेंट थे उनकी सेविंग भी क्या होगी वेनिश होगी, सेविंग कुछ नहीं बची खत्म हो गई है। और करेंसी जो थी उस टाइम में मास करेंसी थी वो क्या कर रही है अपनी, उन लोगों ने वैल्यू कम कर दी, वैल्यू रिड्यूस होगी। इतना बोला जाता है कि आप एक बुलेट कार्ड भर के भी अगर मास्क लेके जाओगे उसके बदले में एक पैकेट ब्रेड आता था, इतनी आपकी करेंसी की वैल्यू कम हुई थी। कब, जब ये सारी सिचुएशन आपको देखने को मिली। अब ये बताओ इतना चैप्टर समझ में आया। Thank you.